हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की अशासकीय शिक्षकों की भर्ती को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में लगभग 2021-22 में यहाँ पर जो है भर्तियाँ निकलना शुरू हो गई थी आपकी। अभी भी इसकी भर्तियाँ निकली रही हैं। आपको बता होगा लगभग जो है अभी वर्तमान समय में 3-4 वैकेंसी निकली थी, जिसमें से एक या दो की डेट एक्सपायर हो चुकी है, एक या दो अभी और बची हुई हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल कर रखा तो फिल कर सकते हैं। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा अभी आई हुई हैं अशासकीय स्कूल में। और लगभग जो है 2021-22 से लगातार जो है भर्तियाँ निकल रही हैं, और इसमें जो है 800 से ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली होंगी। और इनमें कंप्लीट लगभग जो है कोरोना से पहले पहले लगभग जो है 500 से 600 पोस्ट आ चुकी थी। उसके बाद और आई पोस्ट, उसके बाद यहाँ पर आपकी आचार संहिता लगने की वजह से और रुक गई थी। फिर उसके बाद और चालू यहाँ पर कर दिया गया था। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या इसका रिजल्ट मेरिट लिस्ट है, नियुक्ति क्या प्रोसेसिंग है, या कई लोग जानना चाह रहे थे कि इसकी नियुक्ति का क्या हो रहा है, अभी सिचुएशन क्या है इस भर्ती को लेकर। कई लोग बोल रहे थे कि इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो इसी वजह से यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि कई लोगों को अशासकीय स्कूलों के बारे में कुछ भी पता होता नहीं है, और इससे पहले भी जो है मैंने बहुत सारे आपको रिजल्ट बताए होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे। और यहाँ पर अभी वर्तमान समय में क्या सिचुएशन है इनको लेकर, ठीक है। अभी तो कुछ भर्तियाँ निकली हैं, मेनली जो है देहरादून रीजन में निकली हैं। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, या फॉर्म फिल करना चाहते हो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दो फॉर्म अभी भी लास्ट डेट अभी बची हुई है शायद, मेरे ख्याल से चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और बाकी वर्तमान समय में नई भर्ती आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि लगभग जो है 800 के करीबन पोस्ट थी, और अभी भी मेरे ख्याल से 800 की पोस्ट कंप्लीट नहीं निकल पे आई है, जिसमें आपकी प्रवक्ता थी, PRT था, LT था, प्रधानाचार्य भी था, और इसके साथ साथ क्लर्क की पोस्ट भी थी। अन्य पोस्ट बहुत सारी पोस्ट थी जिसमें टोटल पोस्ट आपकी निकलनी थी इतनी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है अभी भर्ती में सिचुएशन ये है कि मेरिट लिस्ट को लेकर कई लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, रिजल्ट निकल चुके हैं या नहीं निकल चुके हैं। देखिए, ऑफिशियल जो साइट है कहीं पर भी आपको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, और जितना मैंने पॉसिबल हुआ था मैंने आपको रिजल्ट दिया था उस टाइम पे जितने भी आपके आए थे। अभी देखिए रिजल्ट की जो टॉप लिस्ट होती है ना, टॉप 7 लिस्ट है, वो अभी आ रही है किसी जनपद की, तो जैसे कि मैं पिथौरागढ़ जनपद का, वो वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आई थी वो, ठीक है, हाल ही में आई थी। बल्कि उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया आपकी हो चुकी है, यहाँ पर इंटरव्यू के बाद कई लोग के इंटरव्यू हो चुके हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहे थे तो अभी प्रक्रिया क्या चलेगी। देखिए आपको बता दूं कि हरिद्वार जनपद में अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं चालू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अशासकीय स्कूल वहीं पर हैं, लेकिन वहाँ पर अनियमितताओं की वजह से यहाँ पर रोक लगा रखी है जो वहाँ के CEO हैं। इसी वजह से यहाँ पर अभी हरिद्वार जनपद में कोई भी सिचुएशन नहीं है, और अगर आएगा कोई अपडेट उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बाकी जनपद में जितने भी जनपद हैं, जैसे आपका रुद्रप्रयाग है, जैसे अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, यहाँ पर आपकी नियुक्तियाँ अभी हो रही हैं। कई के घर जो है कॉल लेटर आ चुके हैं जिनके इंटरव्यू पहले हुए थे, ठीक है, बहुत सारे बहुत टाइम पहले आपके इंटरव्यू भी हुई थी, और जिनका यहाँ पर टॉप 7 वेल लिस्ट है वो भी निकल रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट में आता नहीं इसलिए पता नहीं भी होगा कई लोगों को, तो वो निकल रहा है आपका, ठीक है। बाकी नई भर्तियाँ भी आपको निकल रही हैं, हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी नई भर्तियाँ, लगभग जो है 3-4 भर्तियाँ आ चुकी हैं। और कितनी आएंगी कई लोग पूछ रहे थे, तो इसका भी फिक्स नहीं है क्योंकि काउंटिंग करी नहीं है। लगभग जो है 850 के करीबन पोस्ट आनी थी इसकी, और इसमें जो है एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितनी पोस्ट अभी तक आ चुकी हैं। अगर पोस्ट बची होंगी तो डेफिनेटली और आएंगी, और नहीं तो अब नहीं आएंगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि पोस्ट अगर बची होंगी तो अशासकीय स्कूलों में तो बिल्कुल आएगा, और कब तक आएगा क्या आएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी आएगा इन्फॉर्म आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। बाकियों का जो रिजल्ट है ना वो आ रहा है, और जिसकी टॉप मेरिट लिस्ट 7 है उसके घर जो है कॉल लेटर आ रहा है, या मेल आ रहा है, या आपका जो है कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तीन ऑप्शन है, ईमेल के माध्यम से आ रहे हैं कई लोगों को, कई लोगों को कॉल फोन करके बुलाया जा रहा है, कई लोगों को जो है लेटर आ रहे हैं, ठीक है। लेटर ज़्यादा आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कई लोगों को, लेकिन लेटर जो है ज़्यादा ही आ रहा है, तो वो आप लोग चेक कर लें या पोस्टर भी चेक कर लें, क्योंकि जिसकी टॉप ठीक ठाक नंबर है उसी का जो है यहाँ पर टॉप 7 लिस्ट में आपका नाम आएगा, तो इसी वजह से इंटरव्यू के लिए उन्हीं को जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है कई लोगों को नियुक्ति भी मिल चुकी है, नियुक्तियों को लेकर जो पूछ रहे थे, तो अभी पिथौरागढ़ में हाल ही में 2-3 लोगों के मैसेज आए थे मुझे, तो उनके भी हो चुका है, और बाकी का मुझे नहीं पता और जनपद में क्या हो रहा है सिचुएशन करके। जहाँ तक मुझे नॉलेज है वहीं तक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिथौरागढ़ में हुआ था, अल्मोड़ा में भी हुआ था एक आध लोगों का, बाकी रुद्रप्रयाग का हुआ था, और जनपदों का थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं, और जगह क्योंकि चमोली में भी हुआ होगा शायद से, कंफर्म नहीं कह सकता उसमें। और हरिद्वार में जो है पूर्णतः रोक लगा रखी है, अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अशासकीय स्कूल वहीं है, और ऊधम सिंह नगर में भी निकल के आई थी। ऊधम सिंह नगर का भी कोई अपडेट नहीं है मेरे ख्याल से, अभी ऊधम सिंह नगर का जो है कोई निकला नहीं शायद, मेरे ख्याल से अभी तक जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है किसी ने बताया नहीं, ठीक है, तो वहाँ का अभी नहीं निकल आया है, ठीक है।
पता नहीं रोका क्यों है ये पता नहीं, लेकिन अभी उनका नहीं निकाला गया है उधम सिंह नगर वालों का। ठीक है, कोई भी अपडेट होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो इस तरह की सिचुएशन अभी चली हुई है असासकी स्कूल के बारे में, जो भी आप लोग जानना चाह रहे थे। ठीक है, आई होप पूरा आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि मेरिट इंटरव्यू और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो भी कमेंट कर रहे थे। ठीक है, बाकी जो है इसके अलावा कोई और चीज़ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।